हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ये शॉप की ऐप पे पेमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम पेमेंट्स अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में पेमेंट्स का ऑप्शन दबाएंगे। वहाँ पे अगर आप नए यूज़र है तो आपको ये ऑप्शन आएगा सेटअप नाउ का, तो वो क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स भर दी और पेमेंट ऑप्शंस कस्टमर्स के लिए क्या रखने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों, वो भी मेंशन किया। ये सब डिटेल्स लिखने के बाद मैंने ऐड पेमेंट्स अकाउंट दबाया और फिर मेरी ये स्क्रीन रेडी हो गई। उसमें मेरा पेमेंट ऑप्शन मेंशन था, सेटलमेंट अकाउंट डिटेल्स थी और सेटलमेंट समरी। अगर आपको बाद में भी कभी ऑप्शंस चेंज करने हैं तो आप एडिट का बटन दबा के सारी चेंज कर सकते हैं। ये जो नीचे सेटलमेंट समरी क्या होता है ये अब हम जानेंगे। जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स रिलेटेड ऑर्डर्स है उनकी डिटेल्स आपको सेटलमेंट समरी में दिखेगी। जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स कस्टमर्स ने ऑलरेडी पे की है बट उसका डिलीवरी अभी तक हुआ नहीं है, उनका टोटल ऑन होल्ड में आएगा। शेड्यूल में जो भी ऑर्डर्स ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया है एंड प्रोडक्ट डिलीवर भी हो गया है उनका टोटल सम दिखाएगा। शेड्यूल्ड अमाउंट बेसिकली वो अमाउंट है जो आपकी आज कंप्लीटेड ऑर्डर से रिसीव हुआ है। हर शाम 7 बजे जो भी आपकी शेड्यूल्ड अमाउंट है वो ये सब आपकी सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। और वैसे होते से ही आपका शेड्यूल्ड अमाउंट में जो भी पैसा था वो आपके पेड आउट अमाउंट में चला जाएगा। ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है कि बस ये ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए काम करता है। आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी भी एक्सेप्ट करनी है तो आप डिलीवरी ऑप्शन में चले जाइए, फिर वहाँ पे नीचे कैश ऑन डिलीवरी COD का बटन है वो ऑन पे टर्न कर दीजिए। चलिए देखते हैं ये सेटलमेंट ऐप कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक 21 रुपीज की ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर आई। अगर हम पेमेंट्स में जाके देखें तो मेरा 21 रुपया ऑन होल्ड में दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट तो हुआ है बट डिलीवरी नहीं हुई है। ऐसे ही मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, मैंने अपनी ऑर्डर अपडेट की फ्रॉम इन प्रोग्रेस टू डिलीवर्ड और फिर देखते हैं कैसा चेंज आया मेरे पेमेंट्स में। तो बैक, फिर हम जाएंगे पेमेंट्स में और देखिए मेरा ऑन होल्ड से शेड्यूल्ड में अमाउंट आया। और जैसे ही शाम को 7 बज जाएंगे मेरा सेटलमेंट जब होगा तब अमाउंट शेड्यूल्ड से पे आउट में आएगा। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया। थैंक यू, बाय।